अगर आपके नींबू के पौधे में कभी फूल और फल नहीं आता है तो ये जादुई चीज आप लोग एक बार अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल करके देखो। प्रॉमिस है कि आपका पूरा नींबू का पौधा फूल और फलों से भर उठेगा। दोस्तों हेलो, दोस्तों मैं हूं तुषार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्लांट केयर टिप्स पे। दोस्तों अगर आपके घर में एक नींबू का पौधा है और उसमें लाखों कोशिश करने के बाद भी एक भी फूल और फल अच्छी तरीके से आप लोग नहीं ले पा रहे हो या फिर उसका ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक ऐसा चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसे इस्तेमाल करने से आपका नींबू में बहुत सारे फूल और फल आएंगे, साथ ही साथ नींबू का पौधे का हेल्थ भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, इससे उसमें और भी ज़्यादा फूल और फल लाने में मदद होगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके लास्ट तक देखते रहो। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में प्लांट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों नींबू के पौधे में फूल फल लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग अगर अपने पौधे पे ठीक से केयर करते हो और ठीक से फर्टिलाइजर, ठीक से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डालते हो तो आपके पौधे में ढेर सारे फूल और फल आएंगे। आप लोग मेरे इस पौधे को देखो, इसमें हर एक ब्रांच में बहुत सारे फूल और फलों से भरा हुआ है। तो अगर आप लोगों को भी इतना ज्यादा फूल और फल अपने पौधे पे लेना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सबसे पहले मैं आप लोगों से ऐसा कुछ केयर टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो प्लांट में करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौन सा चीज आपको अपने पौधे में डालना है ताकि इतना ज्यादा फूल और फल आप लोग ले सको उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों पौधे में खाद या फिर किसी और चीज को डालने के बावजूद पौधे का केयर करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपका पौधा हेल्दी नहीं है, पौधे में ठीक से ग्रोथ नहीं है तो आपका पौधा कैसे फल दे पाएगा। तो कौन सा केयर टिप्स आपको अपने नींबू के पौधे में करना है वो अभी बताऊंगा। केयर टिप नंबर वन, दोस्तों अगर बहुत दिनों से आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल और फल नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पौधे में जितना भी ब्रांच है उसके टॉप वाले हिस्से को, मतलब ब्रांच के आगे वाले हिस्से को 1 से 2 इंच ठीक से प्रूनिंग कर देना है। जब आप लोग अपने पौधे पे प्रूनिंग करते हो ना, तब उस प्रूनिंग वाले एरिया के साइड में से बहुत सारे न्यू ब्रांच और न्यू लीव्स आते हैं और इन्हीं न्यू लीव्स और ब्रांच पे ये वाला जो फूल आप लोग देख रहे हो इस तरीके से फूल और फल भी आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल फल नहीं आ रहे हैं तो आप लोग अपने पौधे का प्रूनिंग करो। केयर टिप नंबर टू, दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपका नींबू का पौधा किसी बालकनी वाले एरिया में करोगे या फिर किसी ऐसा जगह पे आपका नींबू का पौधा है जहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से धूप नहीं आता और बारिश का पानी भी नहीं लग पाता, उस पौधे पे कभी भी आप लोगों का ठीक से फूल और फल नहीं आएगा। नींबू के पौधे की ग्रोथ के लिए और ढेर सारे फूल फल पाने के लिए सनलाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। लगभग 7 से 8 घंटे की सनलाइट नींबू में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इतना सनलाइट आपके पौधे पे नहीं आ रहा है तो आपका पौधा कभी भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसमें फूल और फल भी आप लोग नहीं देख पाओगे। तो आप लोग आपके नींबू के पौधे को किसी ऐसा जगह पे रखिए जहाँ पे सारा दिन भर का धूप इसमें लगता है। धूप लगेगा तो पौधे का ग्रोथ होगा और उसमें ज्यादा फूल और फल आएंगे। केयर टिप नंबर थ्री, दोस्तों अगर कुछ दिनों से आपके पौधे में बारिश हो रहा है तो एक बात का ध्यान रखिए कि पौधे के मिट्टी में पानी ना जमे। अगर पौधे के मिट्टी में पानी जमेगा तो मिट्टी में फंगस लग सकता है और फंगस के वजह से आपके पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा, पौधे का पत्ते जो है वो पीला हो जाएगा, जो भी फ्लावर्स और फ्रूट्स पौधे में आएंगे वो गिर जाएंगे। इसीलिए जिस मिट्टी पे आपका पौधा है या फिर जिस पॉट पे आपका पौधा है उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जितना भी बारिश हो सारा बारिश का पानी पौधे के मिट्टी से होकर पॉट के नीचे से निकल जा सके। केयर टिप नंबर फोर, दोस्तों नींबू का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, इसीलिए इसमें कीड़े मकोड़े का अटैक बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा कीड़े मकोड़े पौधे में लगने से पौधे का पत्ता सिकुड़ जाता है, पौधे का फूल और फल वो लोग खराब कर देता है। इसके अलावा पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है, इसीलिए आप लोगों को हमेशा
घर में कोई इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड रखना पड़ेगा और उसको अपने पौधे पे 7 से 10 दिन के गैप में स्प्रे भी करना पड़ेगा ताकि कीड़ा मकोड़े का अटैक पौधे पे ज्यादा ना हो। अगर आप लोग इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड पौधे पे यूज करना नहीं चाहते हो तो आप लोग इसके बदले में नीम ऑयल का भी इस्तेमाल पौधे पे कर सकते हो। नीम ऑयल भी पौधे को कीड़े मकोड़े से अटैक होने से रोकता है। तो मैंने जो 4 टिप्स आप लोगों से बताया है, इन चारों टिप्स को अपने पौधे में आपको जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है अगर आप लोग पौधे का ग्रोथ ठीक करना चाहते हो और उसमें ज्यादा फल पाना चाहते हो। तो अभी वो चीज के बारे में बताऊंगा जिसके यूज से आपके पौधे में ज्यादा फल आएंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ये आपके पौधे में फूल और फल लाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है, एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है। इसका नाम है MOP या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश। आप लोग इसे पोटाशियम फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हो। अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल और फल नहीं आते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से पौधे में फूल और फल आपको जरूर से जरूर दिखेंगे। और अगर फूल और फल 1-2 करके आ रहे हैं तो आपके पौधे में बहुत ज्यादा फूल और फल आएंगे। अभी इस चीज को कैसे आप लोग अपने पौधे पे इस्तेमाल करोगे वो आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि ये केमिकल खाद है इसीलिए इसका बहुत ही कम अमाउंट हम लोग अपने पौधे पे इस्तेमाल करेंगे। इसका सिर्फ 1 चम्मच हम लोग लेंगे और 1 लीटर पानी में इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अपने पौधे के मिट्टी में इसे डाल देंगे। इस चीज को आप लोग 7 से 10 दिन के गैप में अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो और इस्तेमाल करके आपको कैसा रिजल्ट मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। ये एक बहुत ही बढ़िया खाद है अगर आप लोग अपने पौधे का ग्रोथ प्रमोट करना चाहते हो, उसमें ढेर सारे फूल फल पाना चाहते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना वीडियो को ना भूलिए और अपने प्लांट लवर दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूले। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं किसी और एक प्लांट रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।